ये मेरी पुरानी कॉपी है जिस पे मैं राइटिंग इम्प्रूव करने की कोशिश किया करती थी। आज मैं कैपिटल और स्मॉल ए की प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। आपकी राइटिंग भी मेरी तरह पुअर है, तो आप भी इस तरह की कॉपी के ऊपर अपनी राइटिंग जरूर इम्प्रूव करें। तो मैं लिखने से पहले हमेशा ही ये थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लिया करती हूँ, क्योंकि पेन को होल्ड करना काफ़ी देर तक बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग जो है वो बहुत ही पुअर है, तो इसीलिए मुझे बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही स्लो मैं लिखती हूँ, ताकि मेरी राइटिंग जो है वो बढ़िया से हो सके। जब भी मैं जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करती हूँ, मेरी राइटिंग जो है वो हमेशा बिगड़ जाती है, और क्योंकि मेरी राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं बहुत ही आराम से और बहुत ही पेशेंस के साथ मैं लिखती हूँ। कैपिटल और स्मॉल ए की जो प्रैक्टिस दोस्तों मैंने आज किया है, इसको लिखने में एक पेज पे लिखने पे लगभग मुझे 20 मिनट लग गए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना स्लो लिखती हूँ। और दोस्तों, मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने कितनी प्रैक्टिस किया है अपनी राइटिंग को सुधारने में। जो भी मेरी राइटिंग देखता है और जितने भी लोग मुझे जानते हैं, उनका मानना यह है कि आपकी राइटिंग जो है वो कभी सुधर नहीं सकती, क्योंकि सबके हिसाब से बचपन में जो राइटिंग एक बार बिगड़ जाए, या फिर अगर आपको सुधारना हो तो आप सिर्फ बचपन में ही सुधार सकते हैं। इसके बाद अगर आपने मास्टर डिग्री कर लिया है, या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, या फिर आपकी शादी हो गई है, या फिर आपके बच्चे हो गए, तो इसके बाद आप अपनी राइटिंग को कभी नहीं सुधार सकते, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ और पेशेंस के साथ अगर आप किसी भी काम को सीखें, तो आप हर चीज़ को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस जो है मैं आपके साथ रोज़ शेयर किया करूँगी, क्योंकि जब मेरे मन में ख्याल आया कि मैं अपनी राइटिंग सुधारूँ, तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ देखे। हर वीडियोज़ में यही बताया जाता था कि राइटिंग को आप ऐसे लिखें, वैसे लिखें, कैसे क्या करना, ये सारी चीज़ें बताई जाती थी। लेकिन मैं ये सोचती थी, क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि जिसकी राइटिंग बचपन से बिगड़ी हो, क्या ये सच में ऐसा हो सकता है कि उसकी राइटिंग सुधर सकती है या राइटिंग सुधर जाती है? ऐसी स्टोरी ढूंढने की कोशिश मैंने बहुत की, मगर मुझे कभी नहीं मिली। अगर आप में से कोई है मेरी तरह, जिसने अपनी स्टडी कंप्लीट कर लिया है और जो करंटली जॉब कर रहे हैं और अपनी राइटिंग को सुधारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या अपनी राइटिंग को सुधारना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं भी ये जान सकूं कि मेरे अलावा भी और लोग हैं इस दुनिया में जिनकी राइटिंग जो है वो अच्छी नहीं है। क्योंकि लोगों के मैंने इतने सारे कमेंट सुने अपनी राइटिंग को देख करके, कि मुझे ऐसा महसूस होता था कि दुनिया में मैं एक इकलौती इंसान हूँ जिसकी राइटिंग जो है वो इतनी बुरी है। अगर आप किसी चीज़ में जीरो है, तो आपको बहुत सारा पेशेंस रखना होगा। मैं जब भी पेशेंस के साथ कुछ लिखती हूँ, तो वो मैं अच्छे से लिख लेती हूँ, लेकिन जब भी मुझे हड़बड़ी हो या जब भी मैं उसको जल्दी लिखने की कोशिश करूँ, वो राइटिंग जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं कितनी स्लो लिख रही हूँ और कितनी पेशेंस के साथ लिख रही हूँ। जब भी आप पेन को पकड़े, तो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं, हल्का सा इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। बट नेचुरली, क्योंकि मैं अभी नया सीख रही हूँ, तो नेचुरली इसको मैं बहुत टाइट पकड़ लेती हूँ कभी, जिससे क्या होता है कि मेरे हाथ जो है वो दर्द करने लग जाते हैं। मैंने लॉकडाउन में प्रैक्टिस बहुत किया है, तब जा करके दोस्तों ये जो ए है वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक बन रहा है। लेकिन अगर आप लॉकडाउन में प्रैक्टिस की हुई कॉपी को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं किस तरीके से लिखती थी। या तो कभी ए एकदम सीधा हो जाता था, या कभी एकदम झुका हुआ ए बन जाता था। मतलब अगर मैं एक पेज पे मैंने ए बनाए हैं, तो वो सारे ए जो हैं वो अलग अलग वैरायटी के नज़र आते हैं। मैं किसी को ये नहीं बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से लिखना चाहिए या किस तरीके से अपनी राइटिंग को सुधारना चाहिए। मैं सिर्फ आपके साथ अपनी रोज़ की प्रैक्टिस शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी स्ट्रगल आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से मुझे रोज़ स्ट्रगल करनी पड़ती है अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ, ताकि मुझे पता चले कि मेरे साथ और भी लोग हैं जो रोज़ इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैंने कैपिटल और स्मॉल ए की प्रैक्टिस किया है, कल मैं बी की प्रैक्टिस करूँगी। कैपिटल और स्मॉल बी की प्रैक्टिस हम करेंगे। मैं रोज़ अकेले एक घंटा बैठ करके अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। अगर आप में से किसी की राइटिंग बहुत ही पुअर है, या आप अपनी राइटिंग को सुधारना चाहते हैं, तो रोज़ आप अकेले एक घंटा बैठ करके अपनी राइटिंग को सुधारने की कोशिश करें, अपने आप के लिए वक्त निकालें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप सुबह और रात को भी एक घंटा अपनी राइटिंग को देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लिखने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका जो हाथ में जो दर्द है वो ख़त्म होता जाएगा।
क्योंकि मैं हमेशा लिखने का काम जो है वो अवॉइड करती थी। ज़्यादातर मेरा काम सिस्टम पे होता था, इसलिए मुझे लिखने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती थी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कमी है कि मैं लिखती कम थी, तो इसलिए मैं अब रेगुलर 1 घंटा लिखने को वक्त देती हूँ। तो आप भी अगर अपनी राइटिंग को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो रोज़ लिखने की आदत ज़रूर डालें। इससे क्या होगा कि आपके हाथों में फ्लो आएगा और आपकी जो स्पीड है राइटिंग की वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। जब भी आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे, तो कभी भी इस चीज़ को शेयर ना करें। क्योंकि कभी कभी कोई हमारी तारीफ़ कर देता है हमारे उस काम की, तो हम बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड फील करते हैं और ये चीज़ जो है हमें गलत डायरेक्शन में ले जाती है। तो हम जो प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे होते हैं उसको हम प्राउड फील करने की वजह से या तो छोड़ देते हैं, और या फिर अगर कोई हमें डीमोटिवेट करता है कि नहीं आप नहीं कर सकती हो या फिर ये आपसे नहीं होगा, तो डीमोटिवेट होकर के भी कभी कभी हम प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं या हम अपने आप पे विश्वास करना छोड़ देते हैं। तो आप जो भी अपनी कोशिश करें वो अकेले में और शांत जगह पे बैठ कर के करें। जैसे मैं रोज़ 1 घंटा अकेले बैठ कर के पूरे डेडिकेशन के साथ अपने राइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। मेरे घर वालों को भी नहीं पता है कि मैं अपनी राइटिंग पे वर्क कर रही हूँ। हमेशा मैं स्टडी रूम में 1 घंटा अपने आप के लिए देती हूँ ताकि मेरी राइटिंग में कुछ मैं सुधार ला सकूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। मैं आपको दिखाऊंगी अपनी लॉकडाउन की प्रैक्टिस और लॉकडाउन से पहले की प्रैक्टिस और ये अब की प्रैक्टिस, तो आपको तीनों में कितना डिफरेंस नजर आएगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। फाइनली मैंने लिख लिया है, आप देख सकते हैं मैंने कैपिटल और स्मॉल ए जो है वो किस तरीके से लिखा है। ये किला देखने में ठीक ठाक लग रही है, बहुत खूबसूरत तो नहीं लग रही है। अब मैं आपको लॉकडाउन से पहले की कॉपी दिखा रही हूँ जो कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, उसमें मैंने स्मॉल ए कैसे लिखा था और ये जो स्मॉल ए अभी मैंने कैसे लिखा है, आप सभी में डिफरेंस जरूर देखिएगा। ये मेरी
पुरानी कॉपी है जिसपे मैं प्रैक्टिस किया करती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक कैसे लिखा है, और ये लॉकडाउन की कॉपी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ABCD लिखने की बहुत प्रैक्टिस की है। ये जो कॉपी है पूरी भर चुकी है। इसके अलावा मैंने बहुत सी कॉपीज जो है उस पर राइटिंग को इम्प्रूव करने की प्रैक्टिस की है लॉकडाउन में। तब जा करके जो मैंने आज की प्रैक्टिस किया है वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किस तरीके से कई लेटर जो है वो गलत तरीके से लिखे हैं। फिलहाल अभी भी मैं जब लिखती हूँ तो कई लेटर जो है जैसे कि C और G और भी बहुत सारे लेटर जो हैं कैपिटल में, उनमें दिक्कत आती है। मगर ये जो प्रैक्टिस है सुधार करने की ये जारी है। अगर आपको ये वीडियो जो है मोटिवेट कर रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज से ही आप भी अपनी राइटिंग को या किसी भी चीज़ को अगर आप सुधारना चाह रहे हैं तो आज से ही अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर दीजिए, लेकिन अकेले बैठ करके, ताकि जब आप कामयाब हो सके तो सब लोग हैरान हो जाए इसको देख करके। ये देखें, ये मेरी लॉकडाउन की कॉपी है जहाँ पे मैंने कैपिटल और स्मॉल A लिखा है। ऊपर वाली जो कॉपी है वो करंट कॉपी है। आप देख सकते हैं डिफरेंस, देख सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस है। ये कंटिन्यू प्रैक्टिस करने की वजह से ही दोस्तों ये चेंजेस नज़र आ रहा है, लेकिन अभी मुझे बहुत हार्डवर्क करना है। किसी भी तरीके से अगर आपको ये वीडियो इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपनी स्टोरी भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कैपिटल और स्मॉल B के साथ। शुक्रिया दोस्तों।